ओके एंड देन बी वन क्या होना चाहिए बताओ, बी वन क्या होना चाहिए? बी वन सिंगल डिजिट नंबर एंडिंग विथ वन, ऑब्वियस, और क्या होगा भाई? नेक्स्ट बी2, बताओ 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 बताओ, वन वन जल्दी बताओ। इलेवन 11, और कुछ इलेवन नहीं होगा? नो सर बी3, 101 एंड 111 बी4, वन जीरो वन 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 जीरो वन 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 तीन आएंगे 1011। हाँ बताओ। सर, 101 1101 एंड 1111 कुछ पैटर्न बन रहा है क्या? यस सर बन रहा है क्या? फिबोनाची सीक्वेंस बना हाँ, ये तो फिबोनाकी हिमसेल्फ आ गया। ये भाई था ऊपर, अभी आ गया ब्रदर, उसको देखते ही ये रोक रह नहीं पाया, आ गया तुरंत। नहीं हुआ कि नहीं भाई? यस हेलो। सर यस हाँ, सर तो इसमें कितना आएगा भाई? फाइव फाइव आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। अब तो काम बन गया हमारा। नहीं ठीक है, तो बी सिक्स तो सर निकालने बोला था ये, तो B6 तो हम ऐसे ही निकाल लिया हंस हंस के। नाइन आ गया सर B6 B6 कितना आएगा? एट आ गया सर एट एट सर आएगा। बगल एट आया हाँ, मुझे यस तो हंस हंस के निकल गया भाई। एट ऑप्शन में है कि नहीं? हाँ जी है। देखो, फिबोना की सीरीज क्लास 11 का, फिबोना की सीरीज पूछने का तुम तरीका देखे हो? तरीका देखे फिबोना यस सर यही की सीरीज प्रॉब्लम पूछे? हाँ, यही यही एडवांस है वो। तुमको ना जबरदस्त क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, एकदम खतरनाक वाला, कैलकुलेशन वाला नहीं पूछेंगे। हाउ मेनी हाउ हाउ वेल यू कैन एनालाइज द सिचुएशन एंड हाउ वेल यू कैन करेक्टली यू एनालाइज द सिचुएशन, है ना? जैसे कि मैंने जब ये क्वेश्चन कर रहा था ना, मैंने ये तुम्हारा ये भूल गया था, मैं थोड़ी देर के लिए ये भूल गया था, समझ गया ना? एन डिजिट पॉजिटिव यस इंटीजर ना, सर ये भूल गया था मैं, तो मैं बीच में फंस गया, मेरा आ नहीं रहा है। आर यू गेटिंग इट? तो हाउ वेल यू एनालाइज द सिचुएशन, है ना? समझ में आ गया? नाउ कैन आई राइट ए जनरल फॉर्मूला फॉर इट, क्योंकि हमको तो 17 तक जाना है, ऐसा तो 17 नहीं जा पाएंगे भाई, क्या कहते हो? बी, मान लो बी में तो चला ही गया, मान लो फिबोना की सीरीज ऐड कर 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 चला गया, व्हाट अबाउट दिस, है ना? तो वी नीड ए फॉर्मूला। देखो, अल्टीमेटली भाई तो फिबोना की ही है, तो क्या होगा ये? इज इट नॉट ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू? क्या कहते हो भाई लोग? फॉर एन इज यस ग्रेटर देन इक्वल टू वन, फॉर एन इज ग्रेटर देन वन, नॉट इक्वल, राइट? हेलो 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 हेलो, यस सर है ना? ना ए टू पुट करके देखो, ए टू, अच्छा ए टू के लिए भी नहीं होगा, ए जीरो नहीं है हमारे पास, ये टू के लिए होगा, टू के लिए भी नहीं होगा, एन सर ग्रेटर टू के देन लिए होगा ना सर टू के लिए कहने से, टू माइनस वन, टू माइनस टू, ए जीरो नहीं है ना हमारे पास, ना सर समझे? हाँ, ग्रेटर देन टू मतलब थ्री लेंगे ना ग्रेटर देन टू, सॉरी, थ्री, सही सही, ये इक्वल कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, थ्री के लिए होगा, ठीक है, हो रहा है ना? थ्री के लिए देख लो, थ्री के लिए हो रहा है ना? ये थ्री इक्वल टू टू प्लस वन हो रहा है, यस तो सर बाकी भी चलेगा। अब कैन यू टेल मी व्हाट विल बी ए जनरल फॉर्मूला फॉर बी एन? बताओ 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 जल्दी। मैं लिखूं उससे पहले बताना चाहिए था तुमको, सर वही होगा, लेकिन ये भी कंडीशन लगाना पड़ेगा, किसके लिए होगा? एन ग्रेटर देन टू प्लस वन, ग्रेटर देन थ्री, नहीं? हेलो हेलो हेलो, यस सर हुआ कि नहीं भाई? ग्रेटर देख देन लो, इक्वल टू होगा ना ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल तो होगा। हाँ, इक्वल लगा दो, देख लो, B3 विल बी इक्वल टू B1 प्लस, नहीं ये तो सबके लिए होगा क्या? देख लो तो एक बार,
बी वन बी टू टू वन प्लस, नहीं, सही है, यही होगा। ठीक है, अब सी एन भी दिया था क्या भाई क्वेश्चन में? यस सर, सी एन भी सीएन भी क्या दिया था। लंबा है क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं इसमें, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, वो टाइम ही खेल है। सी एन, सी एन क्या होगा बताओ, सी वन बताओ जल्दी, क्या होना चाहिए एंडिंग विद जीरो? सी वन, सी वन नहीं आएगा, जीरो होगा। सी वन, हाँ सी वन सेट लिख रहा हूँ ना, सेट सी वन इज फाइव, नहीं तो इसका कोई आएगा नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मैं सेट लिख रहा हूँ ना, ये तो सेट लिख रहे थे ना हम, तो फाइव आएगा, कोई नहीं है, सी वन ऐसा है ही नहीं, कोई सी वन जैसा कोई है ही नहीं। सी टू बताओ, सी टू बताओ भाई लोग, वन आएगा। 10 नहीं तो सी टू यस इक्वल टू सर, वन। हाँ सी थ्री बताओ जल्दी, सी थ्री टू आया, नहीं वन आएगा ये भी। सी थ्री दैट यस सर, सब वन रो वन आया ना, जीरो आएगा ना इसमें। 110। अच्छा एंडिंग में जीरो दिया था क्या, सॉरी यस सर, हो गलत कर दिया भाई, 110 आएगा सर। तो सी थ्री कितना हुआ, वन हुआ। अब बताओ सी फोर, सब 1010 और वन 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 जीरो वन वन जीरो जीरो 1110 कितना हुआ सी फोर? टू। तो ये तो पैटर्न बनने लगा, फिबोनाची का भाई, नहीं फिबोनाची हो यस गया, सर, यस सर, फिबोनाची हो गया, लेकिन सी टू से शुरू होगा ये, नहीं हेलो हुआ कि नहीं सर तो भाई? कंफर्म कैसे बोल सकते हैं, तीन ही टर्म तो मिला है। और लिखो सी फाइव भी लिख लो, अभी थ्री आएगा तो कंफर्म हो जाएगा ना, लिखो लिखो क्या होगा बताओ जल्दी। सी फोर लिख लिया, सी फाइव लिखो, बोलो बोलो, 1001 ऐसा नहीं हो पाएगा, 10100 नहीं, भी नहीं हो पाएगा, नहीं एंडिंग विद जीरो बोल के रखा है, तो क्या लिखे, 10 वन वन 110। हेलो वन लिख पाएंगे? हेलो सर, नो सर, 101110। अच्छा 110 लास्ट में, वन सही, लास्ट में जीरो चाहिए, सॉरी 10110। और बताओ 1101 0 सही है, हेलो यस, और क्या होगा बताओ, 11110। 1111 0 और कुछ होगा क्या, और कुछ होने का वन चांस है जीरो क्या? वन वन जीरो 10110 10110 ये तो लिख लिया है, तो फर्स्ट है, और चाहिए क्या, हो गया, अभी नो पैटर्न सर, बन रहा है भाई, अभी बन रहा है। बना कि नहीं भाई, अब बना कि नहीं? तो सी एन भी क्या होगा, सी एन माइनस वन प्लस सी एन माइनस टू होगा, किसके लिए होगा वो देख लो, एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू, नहीं थ्री, थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अब हम सेकंड कंडीशन में जाते हैं, फर्स्ट का तो हम करना आंसर था हमने निकाल लिया, सेकंड में करना है A17 इक्वल टू A16 प्लस A15, यही तो करेक्ट है भाई, नहीं यस सर, AN इक्वल टू AN माइनस वन AN प्लस, यस। सिंगल करेक्ट है तो यही, और तो देखना ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं ये गलत है तो क्यों है। C17 इक्वल टू C16 प्लस C15, ये नॉट इक्वल बोला है, ये तो हो रहा है ना, ऐसा ही हो रहा है, हेलो हो रहा है सर, हाँ ये देखो B17 इक्वल टू B16 प्लस C16 नॉट इक्वल टू बोला है। अच्छा हमको ए एन बी एन और सी एन के पास बीच में भी एक रिलेशन चाहिए, क्या होगा बताओ, तो ए एन बी एन और सी एन का रिलेशन क्या होना चाहिए? ध्यान से देखो, ए फोर इज फाइव है ना, बी फोर क्या आया थ्री, थ्री। और सी फोर क्या है टू,
सी यस फोर सर टू एन कुछ दिख रहा है? सर सी प्लस बी इज इक्वल टू ए, सी एन हाँ प्लस बी एन इज एन, इक्वल टू एन। हाँ एन इक्वल टू बी एन प्लस सी एन, है ना? एन इक्वल टू बी एन प्लस सी एन, तो बी एन इक्वल टू बी एन प्लस सी एन तो नहीं है भाई, कि है? यस सर, नहीं है सर। ये करेक्ट है कि नहीं देख लो। B17 will be equal to B16 plus C16, ऐसा है क्या? देखो B16 C16 ऐड करेंगे, B4 और C4 ऐड करेंगे, तो नहीं, B4 और C4 ऐड करेंगे तो ये क्या होना चाहिए था? A16 होना चाहिए था ना, तो नहीं है बोला है, तो करेक्ट कि नॉट करेक्ट? B16 प्लस C16 ऐड करेंगे तो A16 होना चाहिए था ना। हेलो, यस सर, अरे ये गलत दिया है तब तो, ये तो ये यस सर, नॉट ए करेक्ट बोला है। सिक्सटीन होना चाहिए। हाँ ये A16 होना चाहिए था, ये गलत लिख दिया है तभी ना। ये सिंगल करेक्ट आंसर है, ये मुझे पता है, ये मैंने गलत लिखा है। A16 विल बी इक्वल टू B16, नॉट इक्वल बोला है तो ये गलत है, ठीक है? और ये तो गलत है ही, ठीक है? ये गलत है तो ये भी गलत है। ये तो A17 इक्वल टू B16 प्लस C16, C17 लिखा है, ठीक है? ये मेरा गलत था, करेक्ट कर लो प्लीज। करेक्ट इट, करेक्ट दिस। A16 इज नॉट इक्वल टू B16 प्लस C16 दिया, सर नहीं तो वो भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक सर है? समझ में आया? हेलो, समझ में आया? हेलो सर हेलो हेलो, आया सर कि नहीं भाई? सर हेलो, यस हाँ सर बोलो, सर वो कोई पूछ रहा है एक जन सर वहां पर, क्या कुछ शायद पूछो ना। बोल रहा है। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर वहां पर शायद बोल रहा है कि B15 और C16 शायद इक्वल हो जाएगा। थर्ड B15 और C15, B15 और C16 शायद इक्वल हो जाएगा, इसलिए वो ऑप्शन दिया हुआ था। ऐसा क्या? हाँ सर B16 और C16 इक्वल नहीं हो पाएगा भाई, कोई तो जीरो होना पड़ेगा उस सबको, इक्वल नहीं हो पाएगा भाई। B16 एंड C16 कैन नॉट बी इक्वल, नहीं सर, सेम B15 और C16। B15 एंड C16, हाँ ये हो सकता है, हाँ सर ये हो सकता है। तब क्या दिया है ये, कि दिया क्या, या यहाँ क्या लिखा था? B17। B17 इक्वल टू B16 प्लस C16, इसको कैसे नलीफाई करे ना? सर वो B4 और C4 3-2 आया ना, तो उसी से लगा, तो B3 और C4 इक्वल हो जाएगा, उसी लिए वैसे ही B15 और C16 इक्वल हो रहा है। सर किसी के ये पास असल में 2000? इक्वल था सर, नहीं, एक ये बार देखो ना, शायद तो BN और CN है और वो AN+1 है, तो टू थाउजेंड ट्वेल्व AN+1 इज इक्वल टू BN+C1 बोलना चाह रहे हो। नहीं, तुम एक बार एक काम करो ना, किसी के पास 2014 का ये है, आज दो ही क्वेश्चन किया अभी तक, आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन तो 2014 में ही दिया है, अब पता नहीं कौन सा किसका सेट में ये आ गया, उसका तो बल्ले बल्ले हो गया होगा। क्वेश्चन लिखो, तो ये क्वेश्चन तुम खुद से करोगे, मैं थोड़े देर सांस लूंगा। लेट एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू, बी एन इंटीजर, आर यू राइटिंग द क्वेश्चन? टेक एन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन ए सर्कल एंड जॉइन ईच पेयर ऑफ पॉइंट, ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स बाय ए लाइन सेगमेंट कलर्ड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एवरी पेयर
ऑफ एडजेसेंट पॉइंट्स बाय ब्लू एंड रेस्ट बाय रेड. If the number of red and blue line segments are equal, then the value of n is option A 4, option B 5, option C 6, option D 10. And your time starts now. I'll take 2 minutes break and you will read the question carefully, bhai. Read the question carefully. If n is greater than or equal to 2, be an integer. Take n distinct points on a circle and join each pair of points by line segment. Color the line segment joining every pair of adjacent points by blue and rest by red. If the number of red and blue line segments are equal, then we have to find out the value of n. Is it 4, 5, 6 or 10? That is the question. Do you want me to explain the question? No, sir. No, कर लोगे? Yes, sir. Okay. Sir, is it option B? Option? Sir, 5. Option B, 5. Yes, absolutely correct. Absolutely correct. Is it not an NCERT question? Hai ki nahi bhai? Kitne logo samajh mein aaya ki ye to wahi question hai jo humne kiya tha. Yaad hai kuch? याद है कुछ क्या बोला है वो कंजिक्यूटिव लाइंस को किस में ब्लू में करने के लिए बोला है कि कंजिक्यूटिव लाइन को ना ब्लू में करो कंजिक्यूटिव को ब्लू में करो कंजिक्यूटिव लाइन जितने हैं उसको ब्लू से करो मैंने चार ही पॉइंट लिया है और बाकी को रेड में करो बोला है बाकी को कर बोला है रेड में करो बाकी को बाकी मतलब ये हो गया बाकी को रेड में करो बोला है तो ऐसा ही कुछ हो गया हेलो समझ में आ रहा है ना ऐसा ही है ना हेलो हेलो यस सर कितने लोगों का आंसर आ गया डू आई नीड टू डू इट दिस आई डोंट थिंक आई नीड टू डू दिस नो सर है ना तो ब्लू लाइन कितने होंगे एन पॉइंट्स है तो एन एन पॉइंट्स से कितने नंबर ऑफ व्हाट डू यू कॉल इट एन साइडेड पॉलीगन बनेंगे n sided polygon banenge n number of points se n side of n number of polygons a polygon of n sided banenge nahi hello to yes sir blue lines kitne honge n there is no doubt n blue lines honge jiska nahi hua main usko thoda sa bata deta hu n ho gaya aur baki red hai baki red kaun sa is it not are they not all red, redder what Are they not diagonals? Yes, are they sir, not N diagonals? Kya tha ye? NC2 minus N? Hello? Tara? NC2 matlab all minus N kar diya? Nahin, hello? Taken 2 at a time minus number of sides kar diya. Ye diagonal ho gaya? Haan, isi ko kuch bolte thai. Kya bolte thai isko? Iska value humne nikal ke rakha tha. Kya tha? Bolo. N into N minus 3 by 2. n into n minus 3 by 2 तो according to question बताओ ये क्या question दिया है n into n minus 3 by 2 equal to n
and n is a number of sides, so it cannot be zero, so we can cancel out. तो n equal to 5 हो गया. बताओ ये एडवांस में दिया है, हाँ क्या होगा इसका? ये कोई दूसरा सेट में दिया होगा, एक सेट में तो दे दिया ये है ना, और दूसरा सेट, अच्छा ये 2012 का था, ये 2014 का है, सॉरी ये 2014 में दिया है, ठीक है. तो 2015 वाला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, लेट यू गो. लेट क्वेश्चन लिखो, लेट एन बी द नंबर ऑफ वेज इन विच फाइव बॉयज एंड फाइव गर्ल्स कैन स्टैंड इन ए क्यू इन सच ए वे दैट ऑल द गर्ल्स stand consecutively. Consecutively in the queue. ठीक है, अब let m be the number of ways in which five boys and five girls can stand in a queue in such a way that exactly four girls stand consecutively. In the queue. Then the value of m by n is m by n का वैल्यू निकालना है, एंड योर ऑप्शंस आर a 5, b 6, c 7, d 9, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. रीड द क्वेश्चन केयरफुली, इट्स आल्सो ए इजी क्वेश्चन, कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? n बी द नंबर of ways in which five boys and five girls can stand in a queue, stand in a line, matlab, you know, in such a way that all the girls stand consecutively in the queue. Consecutively, so are you getting it? Answer 7 bol raha hu. Yes. Answer is not 7. Answer is not 7. Huh? Try to understand the question. Stand consecutively matlab kya ho gaya? Consecutively matlab they stand together, right? That is the meaning, right? Am I right? Girls are consecutive ka matlab kya ho gaya? They are standing consecutively matlab they are standing together, right? Hai na? To n ka to ekdam aasan hai nikalna, ekdam aasan hai. Thoda sa m mein problem ho sakta hai, tumhara n to ekdam hai aasan hai. 5 hai kya? Haan, 5 hai. 5 is the correct answer. And the question is how and why. Question is how and why. Balao, n ka batao pehle. N ka kya hoga? 5 girls together hona chahiye. 5 factorial. Haan. To ekdam aasan hai. That 4 girls together rahega pehle wale.
और फाइव बॉयज टुगेदर राइट, नहीं गर्ल्स को हमने एक साथ बांध लिया यस ऐसे, इसको वन मान लिया, तो कितने हुए यहाँ फाइव यहाँ वन, टोटल सिक्स, सिक्स फैक्टोरियल राइट। अभी गर्ल्स अमंग देमसेल्व्स कैन बी अरेंज इन फाइव फैक्टोरियल वेज, सो सिक्स फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल हुआ, तो ये वैल्यू हुआ किसका, एन का। एन तो एकदम आसान है एज आई सेड। अब एम का बताओ, ये एन का केसेस हो गया। पहले चार गर्ल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हाँ सबको जमा देंगे। हाँ जमाओ फाइव बताओ, सी फोर सर, फाइव फाइव सी सी फोर इंटू सेवन फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल सर, कैसे हुआ बोलो। चार को सेलेक्ट किए तो उनको एक मान लिए, तो सात लोग बचे तो सातों को जमा दिए सेवन फैक्टोरियल में, वो चारों को आपस में जमा दिए फोर फैक्टोरियल में, बस अब डिवाइड कर फिर तो दो। सेवन आ रहा है इससे। अरे 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 नहीं 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 फिर से बोलो क्या हुआ इसमें। इसमें तुमने एक गलती किया, क्या गलती किया बताओ, क्या गलती हो गया इसमें, इसमें क्या गलती हो गया, इसमें एक गलती हो गया, क्या हुआ इसमें, एक गलती हो गया, क्या हुआ, क्या गलती हुआ, तुमने क्या गलती किया बताओ। सर उसके बाद जब सातों को जमा दिए तो फिर उसमें वो भी केस आ गए जब पांचों गर्ल्स कंसेक्यूटिव हो गए। खेल हो ही है, वो तो नहीं होना चाहिए था। एग्जैक्टली फोर बोल दिया तुमने, एटलीस्ट फोर कर दिया, समझ में आया, सेवन यस इज द सर, आंसर फॉर एटलीस्ट। तुमने उसमें फाइव, फाइव को भी घुसा लिया ना, फोर और फाइव दोनों को घुसा लिया, फाइव को हटाओ आ जाएगा आंसर। यस सर। मैं भी घूम गया था। हाँ नॉट करेक्ट, एम के लिए क्या होगा बताओ, किसने आंसर बताया था फाइव। सर मैंने ऐसे किया कि फोर गर्ल्स कॉर्नर पे नहीं आ सकते, तो उसका केस बन जाएगा 5P4, और 5 × 5 × 4 × 5 × देयरफॉर 30 × 5 × 5 × 5 डिवाइडेड बाय 10 × 5, तो कैंसिल होके 5 आ गया। मुझे तो समझ में नहीं आया तुमने क्या किया, मे बी इट इज करेक्ट आई डोंट नो। ओके अब क्या होना है, एक चार गर्ल को ना एक साथ रहना है, एग्जैक्टली चार है ना, तो मैंने ये एग्जैक्टली चार को एक साथ बांध लिया है, ठीक है, किन चार होगा वो हम बाद में सोचेंगे अभी, ठीक है। हेलो सुनाई दे रहा है, यस और सर, एक गर्ल यहाँ रह गया मान लो, और एक गर्ल रह गया यहाँ, और बाकी फाइव बॉयज, बाकी फाइव बॉयज, बॉयज 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 बॉयज, ऐसा अरेंजमेंट बनाना है मुझे, आई बात समझ में। ये यस जी को ना, जी को ना मैं थोड़ी देर के लिए जी जी वन कर देता हूँ, ये जी वन कर देता हूँ, ठीक है। तो टोटल कितने हुए मेरे पास, वन वन फाइव, टोटल कितने हुए, सेवन हुए है सेवन ना। इनमें से मुझे कौन सा केसेस को हटाना पड़ेगा, ये तो टोटल हुआ ना, ये तो टोटल हुआ ना, यस सर, हेलो समझ में आ रहा है ना, इसमें वो जी वन इनके साथ आने वाला भी बनेगा, नहीं जी वन इसके साथ आने वाला भी बनेगा ना, समझ में आ रहा है। तो फाइव भी जो तुमने गलत किया था वही समझ में आ रहा है, उसको हटाना पड़ेगा मुझे। अब कैसे हटाए, यस कौन सर सा केस को हटाए, कैसे हटाए, अब देखो, अब देखो कैसे हटाएंगे, देखो अब हम करेंगे क्या ना। ओहो हेलो, एम आई ऑडिबल, हेलो 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 हेलो, यस सुनाई दे सर, रहा है। हाँ अब देखो मेरा ना क्या हो गया, अब मेरे मोबाइल में मेरे हिसाब से डेटा खत्म होने वाला है, आजकल क्लासेस भर गया है, ये मैं आज कौन सा क्लास ले रहा हूँ मालूम, मालूम ये मेरा सिक्स्थ क्लास है, सिक्स्थ क्यों, सेवन्थ क्लास हो गया तुम्हारा, तो दो क्लास हो गया ना अभी, समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं लास्ट क्लास में नहीं ले पाया था, मेरा डेटा ही खत्म हो गया था, तो उस दिन तो मैसेज आ गया था इसलिए मैंने लिया। हेलो हेलो हेलो, समझ सुनाई दे रहा है, ये इसीलिए मैं नहीं किया था, समझ गया ना कहानी, ये मजा नहीं आता, अभी कुछ मैं सोच रहा था सब भूल गया। हेलो हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है क्या, एम आई यस सर, ऑडिबल, हेलो
यस इसको मैं सर, जल्दी जल्दी कर दूंगा। ये देखो अभी क्या करेंगे, इसको जी 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 इसको एक बनाएंगे, इसको जी वन बनाएंगे और इसको एक मान के ले लेंगे और पी 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 को ये एक मानेंगे, है ना। टोटल कितने हुए? हेलो 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 यस सर। हेलो।